शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। आज मैं आपको बताती हूँ सबसे छोटे और आसान दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ भी छोटे और उनका सवाब भी बहुत ज़्यादा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 बार रहमत फरमाता है। और दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसके एक बार पढ़ने से फरिश्ते आपके 10 गुना मिटाते हैं और 10 नेकियाँ लिखते हैं। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शब जुमा का विर्द। शब जुमा को आप ये दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मील हबीबिल आलिल कद्रिल अज़ीमिल जाही व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। सुभानअल्लाह। दूसरा है दुरूद पाक तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं इस दुरूद पाक के पढ़ने से। और देखिए इतना मुख्तसर दुरूद पाक है, हम इसको ज़ुबानी भी याद कर लें। सुभानअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सल्लिम। सुभानअल्लाह। तीसरे नंबर पे है इस दुरूद पाक को पढ़ने से, इतना मुख्तसर दुरूद पाक है और इसको पढ़ने से रहमत के 70 दरवाजे खुल जाते हैं। सुभानअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सुभानअल्लाह। नंबर 4 पे है 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब। इस दुरूद पाक को पढ़ने से आपको 6 लाख दुरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभानअल्लाह। तो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। सुभानअल्लाह। नंबर 5 में है कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए। इस दुरूद पाक को पढ़ने से आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा। सुभानअल्लाह। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। सुभानअल्लाह। और नंबर 6 पे है दुरूद शिफायत। दुरूद पाक हमारी शिफायत करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुकर्रबा इंदा का यौमल क़ियामा। सुभानअल्लाह।